जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वाईके मैथ एंड साइंस क्लासेस में। बहुत से स्टूडेंट ने कहे थे कि केमिस्ट्री पर आप बनाइए क्वेश्चन, तो आज केमिस्ट्री पर हमने बनाया परासरण दाब क्या है, सिद्ध करेंगे परासरण दाब एक अनुसंकेत गुणधर्म है। और यहाँ से देखिएगा ये क्वेश्चन आपका आपका लघु उत्तरीय भी होगा, दीर्घ उत्तरीय भी आएगा, और परासरण दाब का जो सूत्र होता है वो एक नमूना क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ये सभी चीजें इसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा यदि पूरा वीडियो देखते थे, पूरा आपको अभी ही वीडियो में ही याद हो जाएगा, घर पे याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेगा। तो सबसे पहले देखेंगे हम परासरण दाब क्या है, थोड़ा एडवांस भी आपको समझा देंगे कि जिससे अन्य लघु उत्तरीय प्रश्न भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले परासरण दाब समझते हैं। देखिए परासरण दाब, लिखेंगे देखिए बिलियन पर आरोपित ध्यान दीजिएगा आरोपित वह बाय दाब, बिलियन पर आरोपित वह बाय दाब, वह बाय दाब जिससे जिससे जो आपका विलायक का प्रवाह विलायक का बिलियन में प्रवाह रोका जा सके, प्रवाह रोका जा सके उसे उसे परासरणी या परासरण दाब कहते हैं, उसे परासरण दाब कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ और चीजें आपको एक्स्ट्रा समझाएंगे जो आपका अन्य लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, परासरण दाब क्या है, बिलियन पर आरोपित वह बाय दाब जिससे क्या होगा विलायक का बिलियन में प्रवाह रोका जा सके उसे हम क्या कहेंगे परासरणी दाब। तो देखिए ये आप पहले से ये आपका यहाँ पर करना नहीं, जो चीज अभी आपको बताएंगे वो आपको नहीं करना है, समझाते हैं। देखिए परासरण होता क्या, देखिए परासरण होता क्या, परासरण देखिए मान लेते एक आपका कोई इस तरह से ट्यूब है, आप समझिए ध्यान से, और बीच में यदि हम अर्ध पारगम्य झिल्ली लगा देते, यहाँ पर अर्ध पारगम्य झिल्ली, देखिए बीच में आप लगा देते इसमें अर्ध पारगम्य झिल्ली, ध्यान दीजिएगा अर्ध पारगम्य झिल्ली, और इधर दे देते विलायक, देखिए इधर आपको अगर दे दिए बिलियन, ठीक है ध्यान दीजिएगा समझिएगा बिलियन, और इधर दे दिए विलायक, तो ध्यान दीजिएगा होगा क्या, होगा क्या अगर इधर मानते कम ही विलायक हो और इधर बिलियन ज्यादा भी हो इस स्तर तक भी हो तो क्या होगा आपका प्रवाह विलायक के अनु इस साइड जाएगी ना, यानी याद रखना आपको निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन करती है ना, क्योंकि अर्ध पारगम्य झिल्ली से, इसी को हम क्या कहते हैं पर, ना आपका परासरण कहते हैं ना, यानी कह सकते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा ना निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर ना विलायक का प्रवाह क्या कहलाता है आपका परासरण कहलाता है, या लिखेंगे विलायक का बिलियन में प्रवाह क्या कहलाता परासरण कहलाता। अब ध्यान देंगे तो यहां से ऑटोमेटिक काम क्या होगा, इधर विलायक के अनु अर्ध पारगम्य झिल्ली सिर्फ जो होता है विलायक के अनु को पार करने देते हैं, विलायक के अनु, ये याद रखिएगा यहाँ पर भी आपका वैकल्पिक प्रश्न बन जाता है। तो यहां से क्या होगा इधर से विलायक के अनु जाएगा, ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं इधर से अगर एक प्रेशर लगाते हैं बाहरी दाब लगाते हैं तो क्या होगा एक ऐसा भी प्रेशर आएगा जहां पर क्या होगा ये विलायक इधर जाना बंद हो जाएगा, उसी को हम क्या कहते हैं परासरण दाब, उसी को हम क्या कहते हैं परासरण दाब। अब एक चीज ध्यान दीजिए, यदि हम परासरण दाब से अधिक दाब लगाएंगे, परासरण दाब से अधिक दाब लगाएंगे तब क्या होगा, तब जो है बिलियन का प्रभाव विलायक की ओर होने लगेगा, विलायक उसमें से सिर्फ कौन सा अणु विलायक अणु ही आएगा, लेकिन बिलियन से विलायक की ओर यानी कह सकते उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होने लगेगा, इसी को हम कहेंगे उल्टा परासरण। उल्टा परासरण क्या होगा, जब हम परासरण दाब से अधिक दाब लगाएंगे तो क्या होगा बिलियन का प्रभाव उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होने लगेगा, जिसे हम उल्टा परासरण कहेंगे। तो यहाँ पर ये सभी चीजें आपको अलग से लघु उत्तरीय के लिए बताया और समझाए परासरण होता है क्या, ठीक है, आगे हम देखेंगे इससे संबंधित जो आपका क्वेश्चन आज करवा रहे हैं कि परासरणी दाब सिद्ध करना कि अनुसंकेत गुणधर्म
है। तो सबसे पहले देखिए क्या है आपका प्रासरण दाब। बिलियन पर आरोपित वह बाह्य दाब जिससे विलायक का बिलियन में प्रवाह रोका जा सके उसे हम क्या कहते हैं, प्रासरण दाब कहते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो अब देखिए प्रासरण दाब बराबर सूत्र का हम जानते हैं पाई बराबर सी आर टी, ठीक है। ये पाई बराबर क्या गया सी आर टी हम जानते हैं सूत्र होता है। अब हम देखेंगे सिद्ध करना है तो हम ले लेते हैं किसके अनुसार देखेंगे वायल वायल वांट और हाफ के अनुसार हम क्या जानते हैं देखिए के अनुसार देखिए क्या होता है आपका नियत ताप पर बिलियन का प्रासरण दाब उसके सांद्रता मैंने आपको मोलरता कौन सा सांद्रता मोलरता यानी सी मोलरता यानी आपका सांद्रता कौन है ना मोलरता लेना है के समानुपाती होता है ये याद रखना, ये चीज यहीं से आपको बनेगा, ये आपका लघुतरीय प्रश्न भी बना है। इसमें देखा हर एक क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री ऐसा होता है कि हर क्वेश्चन आपका लघु उत्तरीय प्रश्न बन सकता है और आपका दीर्घ उत्तरीय भी आपका लघु उत्तरीय करके यानी आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो बनता है आपका पांच आपका क्या होगा आपका एक एक नंबर का क्वेश्चन भी बनता है। इसलिए केमिस्ट्री को ध्यान से आपको पढ़ना है और देखें पूरा नंबर आएगा। यदि आप चैनल पर बने रहते हो प्रत्येक दिन वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो लगभग आपका हर चीज आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं समानुपाती होता है। अब यहाँ पर देखेंगे और जो भी आपको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं अगर दिक्कत होगा तो नियत ताप पर बिलियन का जो प्रासरण दाब क्या होता है उसके सांद्रता के समानुपाती होता है अर्थात हम कहेंगे पाई समानुपाती सी या हम कह सकते हैं पाई बराबर सी आर टी क्योंकि ताप आपका नियत है और गैस है आदर्श गैस ये नियतांक है ठीक है। तो हो गया पाई बराबर सी आर टी। अब ध्यान देंगे ये आपका सी क्या होता है मोलरता कैसे आप निकालते हो तो पता होगा आप सभी को कि एन बाय भी सी आपका सी का मान रख दिया एन बाय भी गुण है आर टी। अब जानते हैं मोलरता क्या होता है आपका सी बराबर का विलय के मोल की संख्या एन क्या होगा विलय की मोल की संख्या बटा भी क्या होता है बिलियन का आयतन होता है लीटर में। इस चीज को आप चूंकि यहां लिख सकते पीछे कोई दिक्कत आपको नहीं है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो देखिए आपको इसी सूत्र को आप क्या कर सकते कन्वर्ट किए है ना ये भी सूत्र आपको याद रखना और ये भी याद रखना आपका जब हम वैकल्पिक प्रश्न पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए ये दोनों सूत्र आपका महत्वपूर्ण है। तो अब हम देखते हैं मान लेते हैं देखिए अब इसको आप ऊपर में मिटा लेते हैं चूंकि इसका स्क्रीन शॉट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हम खाली कर रहे हैं तो हम यहाँ देखिए पाई बराबर क्या आया एन बी गुने आर टी आ गया। अब हम देखते हैं मान लेते हैं माना बिलियन का आयतन एक लीटर कुछ नहीं करना माना जो बिलियन का आयतन है भी का मान एक ले लीजिए माना बिलियन का आयतन जो है आपका भी बराबर एक लीटर। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा जब एक हो जाएगा बिलियन का आयतन तो देखिए क्या हो जाएगा पाई बराबर आपका हो जाएगा एन बटा एक गुने आर टी। तो या आप कह सकते हैं पाई बराबर एन आर टी। तो यहां से फिर हम देखेंगे क्या हो जाएगा पाई समानुपाती किसका आ गया एन देखिए ऊपर में तो इन समानुपाती हो गया तो पाई किसके समानुपाती हो गया एन पाई जानते क्या आपका प्रासरण दाब है एन क्या है विलय के मूलों की संख्या है। तो हम लिखेंगे चूंकि देखिए आपका चूंकि देखिए यहां पराशरण दाब विलय के मोलों के समानुपाती है विलय के मोलों की संख्या के समानुपाती है। इसलिए हम क्या कहेंगे इसलिए कह सकते हैं क्या
इसलिए ना प्रासरण दाब एक अनुसंख्यक गुणधर्म है, इसलिए प्रासरण दाब एक अनुसंख्यक गुणधर्म है। तो यहां पर आप देखिए एक आपका का वैदिक उत्तर या प्रश्न कंप्लीट हो गया। क्या था प्रासरण दाब, क्या है ये सिद्ध करें कि एक अनुसंख्यक गुणधर्म है। तो प्रासरण दाब क्या पड़े ने बिलियन पर आरोपित वह दाब ना बाह्य दाब जिससे क्या होगा विलायक का प्रभाव बिलियन में रोका जा सके, उसे हम क्या कहेंगे प्रासरण दाब कहेंगे। यानी पायल और सीआरटी सूत्र बताए थे, पुनः आपको बताए थे वायल और वाट हाफ के अनुसार क्या था ना आपका नियत ताप पर बिलियन का प्रासरण दाब उसके सांद्रता यानी मोलरता होता है उसके समानुपाती होता है। यानी पाय समानुपाती सी नियंत्रण करेंगे पाय बराबर सीआरटी। और हम जानते हैं मोलरता क्या होता है विलायक की मोल की संख्या बटा बिलियन का आयतन लीटर में होता है, एन बाय आप भी कर सकते हैं गुने आठ। यहां से आगे जब करेंगे देखिए क्या माना मान तब देखिए बिलियन का आयतन जो है एक लीटर ठीक है, तो एक रखेंगे मान भी की जगह क्या आ जाएगा पाई बराबर एन आर टी आ जाएगा। फिर हम कह सकते हैं पाई क्या होगा एन के समानुपाती हो गया। तो यहाँ लिख देते हैं हम यहाँ प्रासरण दाब जो है विलेय के मोलों की संख्या के समानुपाती है ना, इसलिए प्रासरण दाब एक अनुसंख्यक गुणधर्म है। अब यहाँ से आपको दो तीन आपका क्या करते हैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए अनुसंख्यक गुणधर्म क्या है, ये आपका लघु उत्तरीय प्रश्न बनता है। तो आपको बता रहे हैं अनुसंख्यक गुणधर्म क्या, ठीक है अनुसंख्यक गुणधर्म क्या, ठीक है। तो बिलियन का हुआ गुणधर्म देखेंगे, बिलियन का हुआ गुणधर्म, बिलियन का हुआ गुणधर्म जो जो विलय के कणों बिलियन के कणों की संख्या जैसे उसका मोल की संख्या हो सकता है आयन की संख्या हो सकता है पर निर्भर करता है, परमाणुओं भी उसका पर निर्भर करता है ना कि उनके आकार पर, ना कि उनके आकार पर। उसे हम क्या कहते हैं बिलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म। और ये चारों याद रखना है, क्वथनांक का उन्नयन हिमांक का अवनमन वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन और बिलियन का प्रासरण दाब ये चारों आपका अनुसंख्यक गुणधर्म होता है। तो स्पेशल देखेंगे तो क्वथनांक का उन्नयन क्या कहेंगे, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोला जाता है तो क्वथनांक बढ़ जाता है जिसे हम क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। हिमांक का अवनमन क्या हो जाएगा, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्प पदार्थ घोला जाता है तो हिमांक क्या होता है घट जाता है, जिसे हम क्या कहेंगे हिमांक का अवनमन कहेंगे। वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन क्या हो जाएगा, तो क्या होगा जब किसी शुद्ध विलायक में क्या करेंगे कोई अवाष्पित पदार्थ घोलेंगे तो वाष्प दाब घट जाएगा, तो इसको हम वाष्प दाब का अवनमन कहेंगे। अपेक्षित अवनमन के लिए त्यादों का बट्टा में शुद्ध विलायक का रखेंगे तब हो जाएगा, याद रखना P0 - PS/P0 शुद्ध विलायक के सापेक्ष वाष्प दाब में जो अवनमन होता है, शुद्ध विलायक के सापेक्ष वाष्प दाब में जो अवनमन होता है उसे हम क्या कहते हैं अपेक्षित अवनमन कहते हैं। और प्रासरण दाब तो आज पूरा आपको पढ़ाए हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, यदि आपको वीडियो पसंद आया और प्रत्येक दिन चाहते हैं कि आपको इसी तरह से प्रत्येक विषय का वीडियो मिलते रहे तो हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए। जय हिंद जय भारत।